हेलो गाइस, वेलकम टू कोर्ट फॉर इंटरव्यू। वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ द जॉब प्रोजेक्ट सीरीज होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पिछली तीन या चार वीडियोस में हम दो फ्रेम बना चुके हैं, अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट कर चुके हैं। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे कैसे जाना है हम वो देख चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इसको चला के दिखाता हूँ एक बार। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम था जिसमें टिपर मारते हुए होटल मैनेजमेंट सिस्टम था। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट का बटन था। नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये वाला फ्रेम क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट फ्रेम खुल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं अपने क्रेडेंशियल सही भरता हूँ तो ये नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा लॉगिन करने पर। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट फ्रेम पे वो जाएगा वो क्लास अब तक हमने बनाई नहीं है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में वाली क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक जावा क्लास बनानी है जो कि होगी डैशबोर्ड के नाम से। ठीक है, डैशबोर्ड के नाम से आपको यहाँ पे क्लास बनानी है। ठीक है, अब जितने जब भी हम फ्रेम बनाते हैं तो हमें जितनी भी हमारे फ्रेम की क्लासेस होती हैं और वो सब होता है, फंक्शंस होते हैं, वो सब हमारे जे फ्रेम क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जे फ्रेम क्लास को आपको यहाँ पे एक्सटेंड कराना पड़ता है। ठीक है, अब जे फ्रेम क्लास होती है वो हमारी स्विंग पैकेज के अंदर होती है, तो आपको यहाँ पे स्विंग पैकेज को इम्पोर्ट कराना पड़ता है। स्विंग पैकेज होता है जावा एक्स के अंदर। ठीक है, जावा एक्स डॉट स्टार। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कंस्ट्रक्टर हमारी जितनी भी फ्रेम की कोडिंग होती है वो सभी कंस्ट्रक्टर के अंदर होती है। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास हमें बेसिकली ये बनाना है। आप सबसे ऊपर देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू बार है। ठीक है, मेन्यू बार में मेरे पास कुछ मेन्यूज हैं, होटल मैनेजमेंट के नाम से मेरे पास मेन्यू है। ठीक है, एडमिन के नाम से मेरे पास मेन्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक मेन्यू बार बनाना है, उसके ऊपर मेरे को मेन्यू लगाने हैं दो, फिर उसके अंदर यहाँ पर मेरे पास मेन्यू आइटम्स भी हैं। आप अगर देख रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे चार मेन्यू आइटम्स हैं। ठीक है, पहले अगर मैं होटल मैनेजमेंट को एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिसेप्शन के नाम से एक मेन्यू आइटम है। ठीक है, फिर अगर मैं एडमिन को एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे तीन मेन्यू आइटम्स हैं, एड रूम, एड एम्प्लॉय एंड एड ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू बार बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि जितनी भी हमारी डिक्लेरेशन होंगी वो सभी ग्लोबल होंगी। ठीक है, तो मेन्यू बार बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जे मेन्यू बार, मेरे को यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एमबी के नाम से उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, फिर मैं मेन्यू बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे मेन्यू के नाम से क्लास होती है, तो एम वन और एम टू मेरे को यहाँ पे दो मेन्यू चाहिए। ठीक है, फिर मेन्यू आइटम के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक क्लास होती है। ठीक है, चार मेरे को वो चाहिए मेन्यू आइटम, तो मैंने यहाँ पे चार इसके ऑब्जेक्ट बनाए। परफेक्ट, बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पर उनको डिक्लेयर किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर, इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एम बी इक्वल्स टू न्यू जे मेन्यू बार, और अब इस मेन्यू बार को ऐड भी करना है। ठीक है, तो ऐड किया मैंने यहाँ पे एम बी के नाम से। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। एम वन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो जे मेन्यू, यहाँ पे मेन्यू में जो हमारे वहाँ पे लिखा हुआ था वो था होटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा होटल मैनेजमेंट, परफेक्ट बिल्कुल। इसको ऐड करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये जो है मेन्यू बार पे ऐड हुआ है। आप अगर वहां पे देख रहे थे तो ये जो M1 जो होटल मैनेजमेंट जो लिखा हुआ था वो मेरा मेन्यू बार के ऊपर ऐड लिखा हुआ था, तो ऐड फंक्शन को जो कॉल करेगा वो MB कॉल करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा MB ताकि वो उसके ऊपर आए। ठीक है, ऐसे ही इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पर, और कॉपी किया करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो भी ऐसे ही है। ठीक है, M1 को M2 में चेंज किया और जो सेकंड हमारा मेन्यू है वो एडमिन के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा। अब हम बनाते हैं ये अपने मेन्यू आइटम्स। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा मेन्यू आइटम है आइवन के नाम से, इक्वल्स टू जे मेन्यू आइटम। ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। और जो वो सबसे पहला मेरा मेन्यू आइटम है रिसेप्शन के नाम से। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मेरा मेन्यू आइटम है रिसेप्शन वो मेरा होटल मैनेजमेंट के अंदर है, तो जो एड फंक्शन जो कॉल होगा वो एम वन कॉल करेगा इस बार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एम वन डॉट एड आई वन। ठीक है, फिर ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे जितने भी मेन्यू आइटम्स हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे टोटल चार मेन्यू आइटम्स थे, तो आई टू लिखा मैंने यहाँ पे, और इसको एम टू कॉल करेगा यहाँ पे, ये एम टू कॉल करेगा। ठीक है, आई थ्री और ये एम टू कॉल करेगा। ठीक है, अंदर भी चेंज करते हैं, यहाँ पे आई थ्री नहीं, यहाँ पे आई फोर आएगा। ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। तो जो मेरे जितने भी मेरे मेन्यू आइटम्स थे वो सब आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे पहला मेरा मेन्यू आइटम है वो है एड एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा मेरा जो मेन्यू आइटम है वो है एड रूम्स, और जो यहाँ पे तीसरा मेरा जो मेन्यू आइटम है वो है मेरे पास यहाँ पे एड ड्राइवर्स। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब सेट लेआउट नल कर दें, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है वो होता है बॉर्डर लेआउट, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। सेट लेआउट मैंने यहाँ पे नल किया, मैंने यहाँ पे सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि जो मेरा जो फ्रेम है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है। ठीक है,
वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, मतलब उसका एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस 0 है और उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 0.0। ठीक है, अब जो मेरी इमेज है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी जो इमेज है वो पूरी मेरी लैपटॉप स्क्रीन को कवर कर रही है, ठीक है, तो मेरा जो स्क्रीन साइज है लैपटॉप का वो रफली 1950x2000 है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कुछ है या नहीं है, ठीक है, वो देख के पता चलेगा। फिर मैंने यहाँ पे किया सेट विजिबल एंड ट्रू, ठीक है, सेट विजिबल मैंने यहाँ पे ट्रू किया। अब मेरे को यहाँ पे एक मेन मेथड डालना है, इसको चलाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड मेन। अरे क्या हो रहा है, वॉइड मेन पक्का, ठीक है, वॉइड मेन, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, इसके अंदर लिखा स्ट्रिंग args, ठीक है, एंड यहाँ पे डैशबोर्ड क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, board, एंड इसको किया मैंने सेट विजिबल ट्रू। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है सेट विजिबल, यहाँ पे मैंने ट्रू किया, लेकिन अभी ये शायद चलेगा नहीं। ठीक है, अभी मेन्यू बार इस पे आएगा नहीं, मैं बस स्क्रीन साइज चेक कर रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन साइज ठीक है, बस थोड़ा सा मेरे को इसको लेंथ बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको बढ़ा के 20 करते हैं। ठीक है, 1000 से मैंने 20 बढ़ाया इसको, 1020 किया, या इतना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को इसको ऐड करना है। ठीक है, तो एमबी डॉट सेट बाउंस मैंने यहाँ पर किया, एमबी डॉट सेट बाउंस, और वो 0 0, ठीक है, 0 0 एंड 1950 वो पूरे पर कवर होगा, एंड उसकी विथ देते हैं 30। ठीक है, तो अब चला के देखते हैं, ये आप परफेक्ट आया बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपना आ चुका है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि ये जो अपना है ये आ चुका है, जो मेन्यू बार है अपना। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मेन्यू आइटम्स भी हैं। ठीक है, अब अगर अब इसके थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे M1 डॉट सेट फोरग्राउंड। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे फॉन्ट कलर है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा कलर डॉट रेड। ठीक है, उसके बाद फिर जो M2 है मेरा, M2 डॉट सेट फोरग्राउंड, उसमें एरर दे रहा है क्योंकि जो कलर क्लास होती है वो AWT पैकेज के अंदर होती है, तो उसको मेरे को यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, शायद इम्पोर्ट कर दिया होगा इसने, हाँ खुद ही इम्पोर्ट कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा लगा देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आप चला के देखते हैं। ये वाइट कैसे हो गया, मैंने वाइट दे दिया, हाँ वहां पे, या मैंने वाइट दे दिया, इसकी जगह देना है ब्लू। ठीक है, कलर डॉट ब्लू, परफेक्ट बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे पूरे में इमेज लगाते हैं। आप अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे एक इमेज भी थी। ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए मेरे को यहाँ पे इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इमेज आइकन I1 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन। ठीक है, न्यू इमेज आइकन, और फिर यहाँ पे क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, बिल्कुल यही वाला फंक्शन है, और यहाँ पे मेरे को एड्रेस पास करना है। ठीक है, तो ये होटल के अंदर है पड़ी हुई है इमेज, होटल के अंदर मेरा एक और फोल्डर है जो मैनेजमेंट के नाम से, उसके अंदर मेरा एक और फोल्डर है जो सिस्टम के नाम से, उसके अंदर मेरा एक और फोल्डर है जो आइकन के नाम से, इसके अंदर मेरे पास इमेज पड़ी है। कौन सी इमेज है वो देखनी पड़ेगी मेरे को, शायद थर्ड डॉट जेपीजी होगी, देखते हैं एक सेकेंड, थर्ड डॉट जेपीजी, या यही इमेज है। ठीक है, यही इमेज मेरे को उठानी है, थर्ड डॉट जेपीजी, तो THIRD डॉट जेपीजी। ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल, चला के देखते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, फिर अब मेरे को इसको लेबल में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेबल L1 लिया मैंने यहाँ पे, इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। ठीक है, क्योंकि जितनी भी इमेजेस होती हैं हमारी वो हम डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे, तो उसको एक लेबल के अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लेबल के अंदर डाला। ठीक है, L1 के नाम से ऑलरेडी एक, अच्छा यहाँ ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जे नहीं लगाया। ठीक है, जब भी हम स्विंग का यूज करते हैं तो हमेशा वहां पर जे लगाते हैं। ठीक है, ये एरर दे रहा है, कैनॉट फाइंड सिंबल, IL लिख दिया मैंने वहां पे। ठीक है, उसके बाद फिर I1 डॉट सेट बाउंस करेंगे इसको, I1 डॉट सेट बाउंस करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो इमेज है वो उसका x एक्सिस से उसकी लेंथ 0 है, y एक्सिस से उसकी लेंथ 0 है, वो पूरे फ्रेम पर कवर हो रही है। मैंने यहाँ पर दिया 0.0। ठीक है, और मेरा स्क्रीन साइज कितना है, 1950x1010 दे रखते हैं। ठीक है, नहीं 1010 नहीं, 30 तक तो वही आया हुआ है, 1000 दे देते हैं। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर किया एड L1। ठीक है, यहाँ पे I1 नहीं है, यहाँ पे L1 है। ठीक है, कितनी मिस्टेक्स हो रही है भाई, परफेक्ट बिल्कुल। ठीक है,
या ये इमेज बिल्कुल ठीक आई है, बस ये फुल स्क्रीन पर नहीं आई, ठीक है, क्योंकि जो इमेज का जो साइज है वो शायद इतना ही है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इमेज का साइज को चेंज करना पड़ेगा। अब इमेज के साइज को चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट स्केल इंस्टांस, मेरे को यहाँ पे उसका यूज करना पड़ेगा। तो मैं को यहाँ पे इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे, इमेज आई टू इज इक्वल टू आई वन डॉट गेट इमेज, हाँ यही वाला डॉट गेट स्केल इंस्टांस, बिल्कुल यही वाला फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी विथ देंगे हमें कितनी चाहिए, ठीक है। तो जो विथ मेरे को चाहिए वो बिल्कुल जितनी मेरी स्क्रीन है उतनी चाहिए, ठीक है, 1950। हाइट कितनी चाहिए, सपोज 1000 लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे विथ के नाम पे लेते हैं इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट स्केल, और यहाँ पे अंडरस्कोर DEFAULT, हाँ चल रहा है, या चल रहा है, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, हाँ या। अब इसको वापस मेरे को इमेज आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे ही हमने पीछे किया था, ठीक है। तो I3 मैंने यहाँ पे लिया और न्यू इमेज आइकन, ठीक है, इमेज आइकन क्लास मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, अब यहाँ पे मेरे को I3 पास करना है, ठीक है। तो या इतने से हो जाना चाहिए, चला के देखते हैं, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अब अगर आप वहां पे देख रहे हो तो मेरे पास इस यहाँ पर एक लेबल भी है, ठीक है, जिस पर लिखा हुआ है दत्तात्रेय वेलकम्स यू, तो वो बनाते हैं लेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेबल बनाया, यहाँ पर जे लेबल क्लास बनाई मैंने, यहाँ पर एक लेबल मैंने ऊपर बनाया हुआ है यहाँ पर L1 के नाम से, तो L2 के नाम से बनाते हैं इसको, ठीक है, न्यू जे लेबल, और इसके अंदर जो हम पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में वो एज इट इज वहां पे लिखा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा दत्ताज ग्रुप वेलकम्स यू, परफेक्ट, ठीक है। और फिर L2 डॉट सेट बाउंड करते हैं कहाँ पर हमें चाहिए वो, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट मिडिल में चाहिए हमें, ठीक है, मिडिल में चाहिए, तो इसको देखना पड़ेगा कहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो अभी इनिशियली इसको रखते हैं 1000 देते हैं, ठीक है, कितना नीचे चाहिए मेरे को, चाहिए 50 देते हैं, ठीक है, और विथ देते हैं 600, ठीक है, और ये देते हैं 50, ठीक है। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर आएगा, ठीक है, अभी देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज है कि मेरे को जो जो लेबल है वो इमेज आइकन के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो इमेज के ऊपर चाहिए, तो L1 से मेरे को इसको L2 कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। अभी चलेगा नहीं, मैं चला के देख रहा हूँ सिर्फ, चलेगा नहीं अभी, या पता था मेरे को चलेगा नहीं, क्योंकि जो मेरा मेरा जो लेबल है वो इमेज के पीछे हाइड हो रहा है, ठीक है, ये इसलिए नहीं दिखा यहाँ पे क्योंकि वो लेबल के ऊपर इमेज आ रही है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इमेज के ऊपर लेबल लाने के लिए मेरे को इमेज L1 से कॉल करना पड़ेगा इसको, मेरे को यहाँ पे इमेज L1 से कॉल करना पड़ेगा L2 को, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर आना चाहिए, या बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है, और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा L2 डॉट सेट फोरग्राउंड, ठीक है, फॉन्ट कलर चेंज करूंगा इसका, ठीक है। तो सेट फोरग्राउंड मैंने यहाँ पे लिखा और कलर डॉट व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर दे देते हैं, और यहाँ पे फिर L2 डॉट, अब मेरे को इसका सेट फॉन्ट करना है, सेट ये सेट फॉन्ट के अंदर मेरे को यहाँ पे न्यू फॉन्ट करना है, फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये लेता है 3 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है हमारा फॉन्ट टाइप, ठीक है, तो सपोज तहोमा एक होता है, ठीक है, तहोमा लेते हैं, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे है फॉन्ट डॉट प्लेन, ठीक है, और यहाँ पे अब फॉन्ट साइज है, ठीक है, फॉन्ट साइज कितना लें, 50 लेते हैं, ठीक है। अब चला के देखते हैं कहाँ आता है, या काफी बेटर है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। तो जो दिक्कतें मेरे को दिख रही हैं उसके हिसाब से ये 46 रखते हैं, ठीक है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, 1000 किया मैंने इसको, ठीक है, इसको कम करते हैं, इसको 500 करते हैं, ठीक है, और ये 50 है, अब इसको थोड़ा सा नीचे भी लाना पड़ेगा, इसको 60 करते हैं, या काफी बेटर, काफी बेटर, ठीक है, बस मेरे को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर 500 की जगह मैंने दिया 600, ठीक है, अब देखते हैं, 600, या बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में आया, बिल्कुल ठीक है। तो या ये हमारे यहाँ पर डैशबोर्ड डैशबोर्ड जो हमारा फ्रेम है, जो ये हमारा मेन फ्रेम है, ठीक है, ये हमारा सबसे मेन फ्रेम है। अभी इसमें रहता क्या है, ये ऑलमोस्ट इसकी डिजाइनिंग
कंप्लीट है, बस जो हमें हमें इस पे एक्शन लगाना है वो रहता है। एक्शन मतलब जब मैं होटल मैनेजमेंट के बाद रिसेप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरा रिसेप्शन खुलना चाहिए, ठीक है। एडमिन पर क्लिक करने के बाद जब इन तीनों में से किसी पर भी क्लास पर क्लिक करूँ तो इनके रिस्पेक्ट में जो भी एक्शन है, जो क्लास है वो खुलने चाहिए, उसका फ्रेम खुलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज रहती है। लास्ट क्लास से एक चीज और रहती है कि मेरे को लॉगिन फ्रेम को इससे कनेक्ट करना था, ठीक है। तो सबसे पहले वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने होटल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको इसको करते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। लॉगिन क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे होटल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्ट बनाया था कि जब वो मैच होगा करेक्टली डेटाबेस में तब वो मेरे को नेक्स्ट फ्रेम पर थ्रो करेगा। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब चला के देखते हैं, ठीक है। तो चलाया मैंने इसको और यूजर मेरा एडमिन था, ठीक है। पासवर्ड मेरा था 1 2 3 4 5। लॉग इन किया मैंने यहाँ पे एंड परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो डैशबोर्ड था वो खुल चुका है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार इनवैलिड लॉग इन का भी वो चेक कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है, एंड पासवर्ड मैंने लिखा एडमिन, ठीक है। कुछ भी ले लिखा मैंने, ये मैंने गलत गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया, ठीक है। लॉग इन पर क्लिक किया तो या इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये थी हमारी डैशबोर्ड क्लास, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एड एम्प्लॉय के लिए फ्रेम बनाते हैं, एड एम्प्लॉय, एड रूम्स और एड ड्राइवर्स, ठीक है। अब इन तीन क्लासेस पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे रिसेप्शन पर, ठीक है। तो या अगर वीडियो पसंद आ रही है भाई, वीडियो सीरीज, ठीक है, तो लाइक जरूर करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट नहीं करना चाहते आप मेरे को मेल कर सकते हैं code4interview01@gmail.com पर। कहीं कहीं पर भी अटक रहे हो, कोई भी एरर है, कोई भी एक्सेप्शन है, ठीक है, सीधा मेरे को बता दो। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।